बात करेंगे सीधे साधे अक्षय कुमार की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की, जो आए दिन हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वैसे अगर देखा जाए, अक्षय कुमार एक ऐसे लौते एक्टर हैं जो साल में कई फिल्में लेकर आते हैं, और इस साल भी अक्षय कुमार कई सारी फिल्में लेकर आने वाले हैं। लेकिन इस बार उनकी कौन सी बढ़िया फिल्म होने वाली है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल आपको बता दें, साल की शुरुआत में ही छोटे मियां बड़े मियां रिलीज होने वाली है। इस ईद के मौके पर ही ये फिल्म रिलीज होगी। तो दूसरी फिल्म जो है वो है वेलकम टू द जंगल। जी हाँ, ये जो अक्षय कुमार की फिल्म है, ये वेलकम का तीसरा भाग है और जो इसी साल रिलीज होगी। इसको लेकर बहुत बहुत बातें हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वेलकम के दोनों पार्ट सभी को बहुत पसंद आए हैं, सब हंस हंस के लोट पोट हो चुके हैं, और अब तीसरे पार्ट के लिए भी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। ऐसे में वेलकम टू द जंगल में ऐसा क्या कुछ होने वाला है, आपको आज हम बताएंगे। दरअसल वेलकम टू द जंगल में स्टारकास्ट की अगर बात करें, तो बेहतरीन स्टारकास्ट के साथ ये शुरुआत होगी, और जो फिल्म की स्टोरी होगी वो दोनों फिल्मों से कई ज्यादा डिफरेंट होगी, जो आपको हंसा हंसा के लोटपोट तो करेगी। साथ ही इस फिल्म में एक्शन सीन्स तो भरपूर होंगे ही, और 450 टेक्नीशियंस भी इस फिल्म को बनाने के लिए जुटे हुए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 450 टेक्नीशियंस। ये सुनकर आपके कान खड़े तो नहीं हो गए हैं? वेल, ये बात सच है, क्योंकि इस फिल्म में बहुत कुछ अनोखा दिखने वाला है। जहां अक्षय कुमार है, जहां फिल्म की स्टारकास्ट इतनी बढ़िया है, तो 450 टेक्नीशियंस अगर लग भी जाते हैं तभी तो फिल्म धमाल होगी ना। अगर कुछ अलग नहीं होगा तो फिल्म हम क्यों देखने जाएंगे। फिल्म में अगर कास्ट की बात करें तो फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस, रवीना टंडन और दिशा पटानी, अनिल कपूर ऐसे स्टार भी इस फिल्म में नजर आएंगे। और इसी के साथ अभी भी स्टारकास्ट पर बातें हो रही हैं, कुछ और एडऑन्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से फिल्म के स्टारकास्ट पे बातें हो रही है और 450 टेक्नीशियंस इस फिल्म में लग रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि बहुत धमाल होने वाला है। तो वही जो व्यूअर्स हैं, जो वेलकम के व्यूअर्स हैं, उनमें मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। किसी का ये मानना है कि फिल्म धांसू होगी, तो किसी का ये भी मानना है कि पैसे बर्बाद होंगे। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, क्या पैसे सही में बर्बाद होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान जरूर रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।